तो गाइस मैंने सर्वाइव कर रखे 1500 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर, बट अभी तक मैंने अपने लिए कोई बढ़िया सा घर नहीं बनाया है। हाँ मतलब एक तो बना रखा है, लेकिन आज मैं बनाने वाला हूँ जायंट एमरल्ड कासल इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और लिटरली ये कासल इतना बड़ा है कि इसको जस्ट बनाने में मुझे 25 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया। तुम लोग बस इस वीडियो को एंड तक देखो और तुम लोगों को पता चलेगा कितनी ज्यादा मेहनत लगी इस कासल को बनाने में। तो भाई ये वाली है वो जगह जहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ अपना कासल, और ये मैंने इसलिए चूज करी क्योंकि घर के बहुत ज्यादा पास भी और एकदम फ्लैट भी है। तो अपने कासल को बनाने के लिए लिटरली मुझे बहुत सारा सामान चाहिए, लेकिन जो सबसे मेन चार सामान है वो है एमरल्ड के ब्लॉक्स, येलो वूल, डीप स्लेट ब्लॉक्स और फाइनली स्प्रूस प्लैंक्स, जो कि लिटरली मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब एमरल्ड के ब्लॉक्स तो लिटरली मुझे लाखों में चाहिए और बाकी की तीन चीजें भी 40-50 हज़ार कुछ चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या सोच रहा था, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ इस वाले फार्म को जिससे मुझे इजिली बेड ओमन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे एमरल्ड फार्म पे बहुत ज्यादा के रहना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो इस फार्म को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले मुझे जाना है इसके नेदर के अंदर। नेदर के अंदर जाने के बाद पोर्टल को तोड़ना है, फिर जाना है नेदर रूफ पे और वहाँ पे थोड़े से ब्लॉक्स ऊपर जाने के बाद सेम कोऑर्डिनेट्स पे एक नया नेदर पोर्टल बनाना है, और फिर बनाना एक आइस ब्लॉक्स का पाथ जिससे सारे पिलेजर्स होके जाएंगे, और फिर यहाँ पे बनाना एक दूसरा नेदर पोर्टल जिससे सारे पिगलेंस दोबारा से जाएंगे ओवरवर्ल्ड में। और फिर मुझे भी जाना है दूसरे वाले पोर्टल से ओवरवर्ल्ड में, और फिर मैं जिस भी पोर्टल से निकलूंगा उसके ऊपर 128 ब्लॉक लगा के जाना है, और फिर यहाँ पे बनाना एक और नेदर पोर्टल और फिर एक छोटा सा किलिंग चैम्बर। तो बस फाइनली मैंने बना दिया पूरा बेड ओमन फार्म। अब जस्ट मुझे थोड़ा सा एफ के होना जिससे पिगलेंस आने लग जाएंगे यहाँ पे। तो गाइस फाइनली देखो मेरे पीछे कितने सारे पिगलेंस आ रखे हैं, अभी तो इनकी बैंड बजानी पड़ेगी। तो चलो जल्दी से इनको मार देता हूँ। भाई देखो बेड ओमन 5 वो भी इतनी आसानी से मिल गया मुझे। चलो अब जल्दी से चलता हूँ अपने रेड फार्म पे और फिर हो लेता हूँ थोड़ी देर एफ के। एक सेकंड, मैं तो भूल गया था इसके अंदर शेल्कर बॉक्सेस नहीं है, और बिना शेल्कर बॉक्सेस के तो ये फार्म कुछ ही मिनट में पूरा भर जाएगा, मतलब इसकी सारी चेस्ट एमराल्ड से भर जाएंगी, तो वो तो मैं लिटरली बिल्कुल नहीं चाहता। तो अब जल्दी से लेके आता हूँ थोड़ी सी शेल्कर शेल्स। कितने शेल्स रखे हैं अपने फार्म में। ओ भाई ये फार्म भाई हमेशा बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, मैं तो इस पर एएफ के खड़ा भी नहीं होता तो भी देखो कितने सारे शेल्स रखे हुए हैं। अब चलो जल्दी से इनको अपने पास रख लेता हूँ और दोबारा से चलता हूँ रेड फार्म पे। तो गाइस फिर से आ गया हूँ मैं अपने रेड फार्म पे। अब जस्ट मुझे क्या करना है, जितने भी शेल्कर शेल्स हैं इनको शेल्कर बॉक्सेस में कन्वर्ट करना है और फिर वो डाल देना है इस वाली चेस्ट में, और फिर इस वाली चेस्ट से सारे शेल्कर बॉक्सेस चले जाएंगे ऐसी जगह पे जिससे वो इजीली एमराल्ड से भर जाएंगे। लेकिन इससे जितना भी एमराल्ड कलेक्ट करने का काम है वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो चलो अब जल्दी से सारी चेस्ट को भर देता हूँ शेल्कर बॉक्सेस से। और हाँ गाइस मैं ये बताना तो भूल गया था कि जो मेरा रेड फार्म है वो खराब होता रहता है, और कुछ दिन पहले भी खराब हुआ था, लेकिन अभी मैंने सही किया कि ये कासल बनाने के लिए। तो अभी तक मैंने इसको चेक नहीं किया कि ये वर्क करता भी है कि नहीं करता, और इसी बहाने ये भी पता चल जाएगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो अब जल्दी से यहाँ से ले लेता हूँ बेड ह्यूमन इफेक्ट, और अब जल्दी से चलता हूँ अपने एमराल्ड फार्म पे। फाइनली अपने एमराल्ड फार्म पे आ गया, और ये करनी एक प्यारी सी लैंडिंग, और रेड स्टार्ट हो गई जब तक मैं ऊपर चल देता हूँ। और अब माना इस आर्मर स्टैंड को जिससे पता नहीं क्या होता लेकिन कुछ तो होता ही होगा। अब थोड़ा सा वेट करना, और ये पिगलेंस क्यों नहीं आ रहे भाई, इतनी मेहनत से मैंने रिपेयर किया था और ये पिगलेंस ही नहीं आ रहे। थोड़ा सा और वेट कर लेता हूँ, क्या पता अचानक से आने लग जाए। यस गाइस फाइनली देखो यार कितने सारे पिगलेंस आ गए। अब जल्दी से आर्मर स्टैंड को हिट करता रहता हूँ जिससे सारे पिगलेंस वगैरह सब मर जाएंगे और उनकी सारी लूट चली जाएगी चेस्ट के अंदर। और गाइस लगातार देखो कितने सारे मॉब्स आ रहे हैं भाई, ये आज तक का बेस्ट फार्म है जो मैंने बनाया है। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं इस फार्म पे एएफके। तो गाइस मैं इस वाले फार्म पे बहुत ज्यादा देर से एएफके था, और मुझ पर काफी सारे एमराल्ड्स भी आ चुके हैं, और मेरा एक्सपी भी देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो गाइस मुझे बहुत ज्यादा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक फार्म काम करना बंद कर चुका है, और लिटरली मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है इस फार्म को सही करने का। तो मैंने डिसाइड किया मैं बनाऊंगा एक नया अलग डिजाइन का फार्म, ये वाला फार्म नहीं बनाऊंगा अलग डिजाइन का। तो ये वाला फार्म करंटली प्रोड्यूस करता है 60-80,000 एमराल्ड्स पर आवर, लेकिन जो मैं फार्म बनाने वाला हूँ वो प्रोड्यूस करता है 80-120,000 एमराल्ड्स, जो कि लिटरली इससे अच्छा ही है। तो चलो जल्दी से उसको बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लेता हूँ, तो वही वाला फार्म बनाने का डिसाइड कर रहा हूँ। और हाँ अगर तुम लोगों को भी बनाना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम भी बना सकते हो। तो चलो मैं जल्दी से सारा सामान कलेक्ट कर लेता हूँ उस फार्म को बनाने के लिए।
दोस्तों को फाइनली बहुत ज्यादा मेहनत के बाद मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया। तो ये देख सकते हो ये गया सारा सामान जो कि उस फार्म को बनाने के लिए मुझे चाहिए। तो मैंने सोचा जो मैं नया फार्म बनाऊंगा वो उसी फार्म के बगल में बनाऊंगा, जिससे मैं इजिली विलेजर्स ले जा सकता हूँ इसी सेम रास्ते से जो मैंने उस वाले फार्म के लिए बनाया था। तो चलो अब जल्दी से अपना नया रेड फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने फार्म बना के एकदम रेडी कर दिया, बस इसमें दो चीजें नहीं करी हैं। सबसे पहले मैंने इसमें विलेजर्स नहीं डाले हैं जिससे फार्म काम नहीं करेगा ऑब्वियसली, एंड सेकंड मैंने इसमें स्टोरेज सिस्टम नहीं बनाया। और मैं सोच रहा हूँ जो मैं स्टोरेज सिस्टम बनाऊंगा वो एकदम सेम रखूंगा अपने पुराने वाले फार्म की तरह, क्योंकि उसमें एक टाइम में काफी सारा सामान बन जाता है। तो अभी मुझे कलेक्ट करना है सारा सामान जो मुझे स्टोरेज सिस्टम को बनाने के लिए चाहिए। तो मुझे लगने वाले बहुत सारे हॉपर्स, चेस्ट और डिस्पेंसर वगैरह, तो चलो जल्दी से मैं सारे सामान को कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए मुझे यहाँ से काफी सारा पानी हटाना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से सारा पानी हटा देता हूँ। तुम लोगों को क्या लगा भी मस्त टाइमलेस चलने वाला है? ना ना ना, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इस वाले टाइमलेप्स के लिए रिप्ले मोड ने बहुत ज्यादा गंदा वाला हक दिया। और तुम लोग देख सकते हो ये क्या चल रहा है स्क्रीन पर, लिटरली भाई ये चीज पूरे टाइमलेप्स में चली। और मैं विलेजर्स को जब लेके आया था और यहाँ पे जब मैंने स्टोरेज सिस्टम बनाया उसका एक भी मूवमेंट नहीं है भाई। रिप्ले मोड हमेशा हक देता है, लिटरली काम के टाइम पे हमेशा हक देता है। अब जस्ट मैं दुआ करूंगा कि ये कासल के टाइम पे ना हक दे, वरना तो भाई बहुत बुरी वाली दिक्कत हो जाएगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब टाइम है इस फार्म को चेक करने का, ये काम कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे मार देता हूँ प्लेजर कैप्टन को, जिससे मुझे मिल जाएगा बैडोमैन इफेक्ट। अब मुझे करनी एक प्यारी सी लैंडिंग और धीरे धीरे इस वाली जगह पे जाना है, और जैसे रेड हाफ हो जाए मुझे हिट करने लग जाना है इस आर्मर स्टैंड को, और अभी करना है थोड़ी देर वेट। तो गाइस फाइनली देख सकते हो इस वाले रेड फार्म पे कितने सारे मॉब्स आ रहे हैं और लगातार मरते जा रहे हैं, जिनकी लूट जा रही है सीधे चेस्ट के अंदर। भाई साहब सही में ये वाला फार्म बहुत मस्त तरीके से काम कर रहा है, बस मुझे एक और चीज चेक करनी है कि इसमें से वैक्स वगैरह अटैक करती है मुझ पे या फिर नहीं करती। अभी तक तो नहीं हुआ, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बट चेक कर लेते हैं। ओ भाई मुझे तो लगा था फार्म एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, लिटरली मैं तो छोड़ के चला गया था, बस एंड मूवमेंट पे मेरा ध्यान गया, वरना तो मैं सही में मर जाता भाई। बाल बाल बचा मरने से, मैं तो सही में सोच रहा था ये एकदम मस्त तरीके से काम कर रहा है तो इसको छोड़ के AFK के लिए छोड़ दो, लेकिन भाई वैक्स निकल गई और वो तो मेरा एंड टाइम पे ध्यान चला गया, वरना मैं मर जाता सही में। अब चलो सेकंड ट्राई, अब धीरे धीरे आर्मर स्टैंड के पास जाता हूँ। रेड का 12वें हाफ पे होने वाला है और इसको कर देता हूँ हिट, और रेड वाला जो बार था वो गायब हो गया। अब करना थोड़ी देर वेट। भाई यार ये फिर से आ गई, क्या मैंने फार्म कहीं गलत कर दिया क्या? भाई लिटरली ये मुझे मार डालेंगे, बार बार परेशान करने आ रहे हैं ये लोग। अब गाइस मैं इस रेड फार्म के सारे ट्यूटोरियल्स दिखाया हूँ जिससे मेरी कोई भी गलती ना हो और वैक्स मुझे मारे ना। तो मुझे करनी है यहाँ पे सेफ लैंडिंग और धीरे धीरे जाना इस आर्मर स्टैंड के पास, और रेड बार के फुल होने से पहले इसको एक हिट मार देता हूँ, और ये गायब हो गया। बट रेड बार भी गायब हो गया और कोई भी प्लेजर नहीं के। चलो फाइनली भाई प्लेजर आ गए, और हमें बताना तो भूल गए ये रेड फार्म काम कैसे करता है। तो स्टार्टिंग में तो 2, 3, 4, 5 ऐसी प्लेजर वगैरह आते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं यहाँ पे थोड़ी देर AFK होऊंगा तो इनकी क्वांटिटी एकदम बढ़ जाएगी। जैसे अभी तो 2-4 आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद ही 40-50 हो जाएंगे। अब जस्ट मुझे एक फाइनल चीज चेक करनी है, क्या वैक्सेस मुझे मारती है या फिर नहीं मारती है। तो गाइस मैं पूरे 10 मिनट से इस फार्म पे AFK था, लेकिन अभी एक भी वैक्स नहीं निकली है, मतलब मैं एकदम सेफ हूँ और इस फार्म पे AFK हो सकता हूँ। तो चलो जल्दी से हो लेता हूँ इस फार्म पे AFK और देखते हैं कितने सारे एमरल्ड्स मिलते हैं हमको। भाई देखो यहाँ पे कितने सारे मॉब्स आ रखे हैं, चलो अब चेक कर लेते हैं कितने एमरल्ड्स मिले हमें और रखे हैं एमरल्ड से। भाई ये वाले फार्म सही में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा है, और पिछले वाले फार्म से भी अच्छे ज्यादा रेट्स में हमको एमरल्ड्स मिल रहे हैं इस फार्म से। तो गाइस यहाँ से मुझे बहुत सारे एमरल्ड्स तो मिल गए, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे पास जितना भी खाना था सारा खत्म हो गया, और मेरा हंगर बार तुम लोगों को दिख ही रहा होगा पूरा खत्म है। और वैसे मैं ओशियन में से कुछ मछलियां मार के खा सकता हूँ, बट अभी इतना बड़ा कासल बनाने वाला हूँ तो अच्छा थोड़ी ना लगूंगा कि छोटी छोटी मछलियों को मार के खाऊं, सही बात है ना। तो मेरा मेन टास्क है कि बिना मरे मुझे विलेज पे जाना है और वहां से खाना लेके आना है। और हाँ मैं एक और प्रॉब्लम बताना भूल गया कि मैं बैडोमैन के इफेक्ट के साथ चला गया था अपने वाले विलेज में, तो अभी वहां पे शायद रेड हो रही होगी, तो वहां पे तो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि जाते ही मर जाऊंगा। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं यहां से जाने वाला हूं उस वाले विलेज पे जो है मेरे पेरीमीटर के पास में, जो मैंने 256x256 की जगह उठाई थी वहां पे। तो गाइस अभी मैं एकदम रेडी हूं यहां से टेक ऑफ करने के लिए, और क्या मैं मरने से पहले किसी विलेज में जाकर खाना ले पाऊंगा, ये तो भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो चलो सबसे पहले रॉकेट का यूज करके इस वाले पोर्टल पर पहुंचता हूं। और अभी यहाँ पे एक ज़ॉम्बी और वंडरिंग ट्रेडर क्या कर रहे हैं? नहीं
लेकिन भाई यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्दी से निकलता हूँ और अभी जाता हूँ इस पोर्टल के अंदर। और यहाँ पे तो आ गया और मेरी हेल्थ भी जल्दी जल्दी आ रही है। भाई इस वाले विलेज को भी मैंने खाली कर दिया, वरना यहीं पे मुझे कुछ विलेजर्स मिल जाते। चलो इस वाले नेदर पोर्टल के अंदर मुझे जाना है, जिससे मैं उस वाले विलेज पर जाऊंगा। ये क्या वो वाला नेदर पोर्टल? अपने दोनों हाथ में मैंने पोर्टल पकड़ रखे हैं, जिससे अगर मैं मर भी जाता हूँ, मतलब मरूंगा तो नहीं, मरने ही नहीं देंगे टोटम, तो बच सकता हूँ इन टोटम से। चलो नेदर पोर्टल से फाइनली निकल आया और बगल में पेरीमीटर है, अब जल्दी से चलता हूँ विलेज के पास। और एक टोटम यूज हो गया भाई, पूरा मरने से पहले मुझे उस विलेज में जाना है और किसी विलेजर से खाना लेना है, और ऐसा ना हो कि उस विलेज के अंदर विलेजर ही ना हो, बस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके चलो विलेज में मिल गया मुझे, जल्दी से चलता हूँ और फार्मर को ढूंढ लेता हूँ। फार्मर किधर है? ओके चलो फाइनली फार्मर भी मिल गया। अबे एक गलती से मैंने मार दिया उसको, महंगा दे रहा। चलो कोई बात नहीं भाई, फाइनली मैंने इससे गोल्डन कैरेट्स ले ली, वरना मुझे सही में लग रहा था मैं मर जाऊंगा। वैसे मछलियों को मार के भी काम चला सकता था मैं, लेकिन भाई हवावा के शौक है हमारे। अच्छा देखा मैंने अपना वर्ल्ड कैसे खत्म होने से बचाया, इतनी मेहनत में करता रहता हूँ वैसे। ठीक है तो गाइस अभी मैं आ गया अपने शेल्कर फार्म पे थोड़ा सा एएफके होने के लिए, क्योंकि जो मेरा रेड फार्म था वहाँ के सारे शेल्कर्स खत्म हो गए थे, इसलिए जो चेस्ट थे उसके अंदर नॉर्मल एमरल्ड्स आने लग गए थे। तो अभी मुझे बहुत सारे और शेल्कर बॉक्सेस चाहिए, तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एएफके हो लेता हूँ। भाई ये वाला फार्म लिटरली कितने अच्छे तरीके से काम करता है, सारी जरूरत पूरी कर देता है शेल्कर्स की। चलो अब जल्दी से यहाँ से उठा लेता हूँ और चलता हूँ दोबारा से अपने फार्म पे। तो गाइस फाइनली मैं आ गया दोबारा से अपने फार्म पे, अब जल्दी से इस फार्म को भर देता हूँ शेल्कर बॉक्सेस से। और अब दोबारा से एफ के हो लेता हूँ इस फार्म पे, क्योंकि जितने भी अभी एमरल्ड्स आए हैं वो इनफ नहीं होंगे मेरा कासल बनाने के लिए। तो गाइस फाइनली मैं इस वाले फार्म पे बहुत देर से एफ के था, शायद 7 से 8 घंटे के बीच में कुछ एफ के था, और मेरे एक्सपी भी देख सकते हो कितना ज्यादा हो गया है। और अब जस्ट चेक करने कितने सारे एमरल्ड्स आ गए मेरे पास। भाई लिटरली देखो सारी चेस्ट एकदम फुल हो रखे हैं शेल्कर बॉक्सेस से, सही में ये वाला फार्म बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। तो अभी टाइम है सारे एमरल्ड्स को एमरल्ड के ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने का, जिसमें लिटरली बहुत ज्यादा दिमाग खराब होने वाला है, लेकिन चलो अभी सारे एमरल्ड्स को कन्वर्ट कर देता हूँ एमरल्ड ब्लॉक्स में। गाइस फाइनली मैंने सारे एमरल्ड्स को कन्वर्ट कर दिया एमरल्ड ब्लॉक्स में, और लिटरली इस काम को करने में मुझे 2 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग गया जस्ट एमरल्ड को एमरल्ड के ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने में। और मेरे पीछे जितने भी शेल्कर बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं सारे भरे हुए हैं एमरल्ड के ब्लॉक्स से। और अब यहाँ पे जितने भी शेल्कर बॉक्सेस हैं ये सब ले जाने मुझे अपने बेस पे, तो जल्दी से इनको तोड़ लेता हूँ और डाल देता हूँ एंडर चेस्ट के अंदर। तो गाइस फाइनली मैं दोबारा से आ गया अपने बेस पे और जल्दी से इस चेस्ट के अंदर डाल देता हूँ सारे शेल्कर्स जिनके अंदर एमरल्ड्स रखे हुए हैं। और अभी इस चेस्ट के अंदर मैंने रख दिया 36 शेल्कर बॉक्स जो कि पूरे भरे एमरल्ड ब्लॉक्स से। लेकिन अभी कुछ मैं 5-6 शेल्कर बॉक्स अपने फार्म पे ही भूल गया था गलती से, तो अभी मैं उनको भी लाऊंगा। और हाँ ऑलरेडी मुझ पे कुछ ब्लॉक्स रखे थे तो ये भी काम आ जाएंगे, इनसे भी 2-3 शेल्कर बॉक्सेस तो मिल ही जाएंगे। तो गाइस फाइनली मैं दोबारा से गया अपने रेड फार्म पे, और देखो जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे मैं कुछ 10 के अराउंड अपने शेल्कर बॉक्सेस भूल गया था, तो अब जल्दी से इनको भी तोड़ लेता हूँ और इनको भी वहीं रखाता हूँ जहाँ मैंने बाकी बॉक्सेस को रखा है। तो सारे एमरल्ड के ब्लॉक्स मिला के अभी जस्ट मुझ पे 60% ही वो एमरल्ड के ब्लॉक्स आए जो मुझे कासल बनाने के लिए चाहिए। तो तुम लोग अभी समझ गए होगे मुझे कितने सारे एमरल्ड के ब्लॉक्स चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ी देर और एएफके हो लेता हूँ, जिससे मुझे बचे हुए 40% एमरल्ड ब्लॉक्स और मिल जाए। चलो थोड़ी देर एएफके हो लेता हूँ। तो कल मैं कुछ और 5-6 घंटे यहाँ पे एएफके हुआ, और देखो कितने सारे एमरल्ड से भरे हुए शेल्कर बॉक्सेस आ गए दोबारा से। तो चलो अब मैं दोबारा से इनको कन्वर्ट कर देता हूँ एमरल्ड ब्लॉक में, और भाई लिटरली दिमाग खराब होने वाला है इस वाले प्रोसेस में। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अगर तुम लोग लाइक करोगे तो तुम्हारे भाई को अच्छा लगेगा यार, कर दो लाइक। 1 billion zillion jillion dillion cotillion times later अब ये सारे शेल्कर बॉक्सेस डाल देता हूँ इस वाली चेस्ट में, और अभी तक अराउंड मैंने 100 से भी ज्यादा शेल्कर बॉक्सेस कलेक्ट कर लिए जो कि पूरे भरे हैं एमराल्ड के ब्लॉक से। तो अगर मैं अभी हिसाब लगाऊं तो एक शेल्कर बॉक्स के अंदर अराउंड हम 1700 से 1800 के बीच में कुछ एमराल्ड के ब्लॉक्स इकट्ठे कर सकते हैं, और अभी मेरे पास है टोटल 100 से भी ज्यादा। तो इस हिसाब से मेरे पास बनेंगे 1,70,000 से 1,80,000 एमराल्ड ब्लॉक्स के बीच में। लिटरली भाई कितने सारे एमराल्ड के ब्लॉक्स हैं, और ये सारे एमराल्ड के ब्लॉक मुझे लगने वाले अपने कासल में। तो गाइस फाइनली जो सबसे मेन चीज थी वो तो मैंने कलेक्ट कर ली, अब टाइम है बाकी बची कुछ ही चीजों का। तो सबसे पहले मैं कलेक्ट कर लेता हूँ अब स्प्रूस के प्लैंक्स, जिससे मैं ज्यादातर फ्लोर वगैरह ही कवर करने वाला हूँ। तो चलो मैं लग जाता हूँ इस काम में भी। तो गाइस फाइनली मैंने सारे स्प्रूस के प्लैंक्स कलेक्ट कर लिए जितने भी मुझे चाहिए कासल बनाने के लिए, और अब टाइम है बहुत सारे डीप स्लेट कलेक्ट करने का जो कि कासल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। तो अराउंड मुझे 35 से 45,000 ब्लॉक्स चाहिए डीप स्लेट के, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा है।
तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि अपने दूसरे चैनल पे स्ट्रीम भी कर लेता हूँ और डीप स्लेट भी कलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसलिए मैंने स्ट्रेट माइंड किए थे 4000 ब्लॉक, जहाँ से मुझे अराउंड 8 से 10,000 के बीच में कुछ ब्लॉक्स मिल गए थे। बट इतने ब्लॉक्स कलेक्ट करने में मुझे 2 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग गया था, तो मैंने सोचा ऐसा तो बिल्कुल नहीं करने वाला मैं। और गाइस ये हैं वो ब्लॉक जितने भी मैंने स्ट्रीम में कलेक्ट किए थे, और अब टाइम है नॉर्मल तरीके से कलेक्ट करने का। इससे दो फायदे होंगे, एक तो अगर पिकेक्स की हेल्थ भी डाउन हो जाती है तो मैं उसको रिपेयर कर सकता हूँ इजिली, और सेकंड चीज बीकन का इफेक्ट भी ले सकता हूँ मैं। तो अभी कर लेता हूँ थोड़ी सी नीचे की तरफ माइनिंग, जहाँ पे डीप स्लेट आ जाए, और अब लगा देता हूँ यहाँ पे एक बीकन जिससे ले लेता हूँ H2 का इफेक्ट, और अब लेता हूँ माइन बहुत सारे डीप स्लेट। तो गाइस मैं बहुत ज़्यादा देर से डीप स्लेट के ब्लॉक्स तोड़ रहा था, और अब फाइनली मेरे पास आई होप उतने ब्लॉक्स हो गए होंगे जितने मुझे चाहिए। ये आंख में तीर किसने घुसा दिया भाई, देखा ही नहीं मैंने। तो देखो अभी तक मैंने इतनी सारी जगह माइन कर दी है, ये मेरे पीछे वाले चंग में इतने ब्लॉक्स माइन कर दिए, और सामने वाला देखो काफी ज्यादा माइन कर दिया। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं और ये वाला चंग देखो, लिटरली एकदम नीचे तक मैंने माइन करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा नीचे तक माइन कर दिया था, बस एक केव आ गई थी इसलिए आगे उसको माइन नहीं किया। और ये वाला चंक भी मैंने काफी ज्यादा माइन कर रखा है, और भी जगह काफी सारी माइन कर दी मैंने, और आई थिंक अभी मुझ पर काफी सारे डीप स्लेट के ब्लॉक हो गए हैं जितने भी मुझे चाहिए थे। और गाइस अब टाइम है येलो वूल कलेक्ट करने का, तो चलो येलो वूल भी कलेक्ट कर लेता हूं। तो गाइस सारी शिप्स को सबसे पहले येलो कर देता हूं जिससे मुझे डायरेक्टली येलो वूल मिल जाए, और इनकी थोड़ी सी ब्रीडिंग करा देता हूं जिससे मुझे कम टाइम लगे वूल कलेक्ट करने में, और अब इनसे ले लेता हूं इनकी सारी वूल। तो गाइस यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा देर से वूल कलेक्ट कर रहा था, और अब फाइनली मुझ पे बहुत सारी वूल हो गई है। आई थिंक इतनी से काम हो जाएगा, अगर नहीं भी होगा तो वापस आ जाएंगे। तो देखो ये सारे शेल्कर बॉक्सेस भर रखे हैं वूल से, एक दो खाली भी इनमें से, और यहाँ पे देखो अराउंड 21,000 वूल मैंने अभी तक कलेक्ट कर लिया है, जो कि लिटरली बहुत ज्यादा, इससे अपना काम तो बन जाना चाहिए। तो गाइस अब मैं कलेक्ट कर लेता हूँ वो सारा सामान जो मुझे छोटी छोटी क्वांटिटी में इस कासल को बनाने के लिए चाहिए। मेनी आवर्स लेटर, तो गाइस मैंने यहाँ पे रख दिए सारे शेल्कर बॉक्सेस जिनके अंदर सामान भरा हुआ है उस कासल को बनाने के लिए। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो सारे ग्रीन शेल्कर बॉक्सेस रखे हुए हैं जिनके अंदर एमराल्ड्स के ब्लॉक भरे हुए हैं, येलो शेल्कर बॉक्सेस के अंदर वूल भरी है, ब्लैक के अंदर डीप स्लेट और डीप स्लेट की ब्रिक्स, बाकी ब्राउन भी है जिनके अंदर मैंने वुड रखी हुई है, और भी बाकी शेल्कर बॉक्सेस एंड चेस्ट और चेस्ट रखे हुए हैं जिनके अंदर सामान रखा हुआ है इस कासल को बनाने के लिए। और गाइस बस सामान ही कलेक्ट करने में लिटरली मुझे 40 आवर्स से भी ज्यादा का टाइम लग गया है, बैंड बजा देने वाला टाइम है, और अभी कासल को तो बनाने में और ज्यादा दिक्कत आने वाली है अपन को। तो देखो इसी वाली जगह पे मैं कासल बनाने वाला हूं, तो सबसे पहले मुझे इसको एकदम प्लेन करना होगा क्योंकि उबड़ खाबड़ कितना ज्यादा है वो तुम लोग देख ही सकते हो। चलो जल्दी से इसको प्लेन कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली मैंने पूरी जगह को प्लेन तो कर दिया, और अब टाइम है कासल बनाने का। तो कासल बनाने के लिए मैं यूज करने वाला हूँ लाइट मैटे का मोड को, जो हमारी हेल्प करता है ये बताने में कि कौन सा ब्लॉक किस जगह पे लगाना है। ये कोई क्रिएटिव वाला मोड नहीं है, इसलिए कमेंट में कुछ मत बोलना प्लीज। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते कासल बनाना। तो गाइस पूरे 25 घंटे से भी ज्यादा बिल्ड करने के बाद फाइनली मैंने अपना कासल बना के एकदम रेडी कर लिया, और लिटरली देखो भाई कितना ज्यादा ह्यूज कासल है,
स्टार्टिंग में जब मैंने सोचा था कि मैं बनाऊंगा तो मैंने नहीं सोचा कि भाई इतना बड़ा होने वाला है कासल, बट अभी देखो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है अपना कासल। और प्लेजर टावर के कंपैरिजन में देखो भाई कितना जायंट है अपना कासल। और सही में इसको अपने वर्ल्ड में देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और हाँ, इस कासल को बनाने के लिए जितना मैंने सामान कलेक्ट किया था उसमें से काफी सारा अभी बच गया है जो कि इस कासल में यूज नहीं हुआ है, मतलब मैंने कंजूसी करके बचा लिया, तो उसको मैं फ्यूचर में कभी यूज कर सकता हूँ। और हाँ, अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।